तो माय यूट्यूब चैनल में सोनू कुमार पंडित। हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले जे स्पाइडर इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, जे स्पाइडर। देखिए दोस्तों बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया, पहले कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर जे स्पाइडर के बारे में एक वीडियो बनाया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि जे स्पाइडर में क्या हो रहा है, कौन कौन सा कोर्सेस ऑफर किया जाता है, कितना रुपया लगता है कोर्सेस का, कौन सा कोर्स फुल स्टैक कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, 100% प्लेसमेंट वाला कोर्स कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, या 100% प्लेसमेंट में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें 100% प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आंसर हैं, आज सभी क्वेश्चन पे बात करने वाले हम लोग। सबसे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज दे देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम बता दें कि इसके पहले हम दो तीन वीडियो बना चुके हैं जिसमें कमेंट आया है। तो सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले हम नरेश आईटी पे वीडियो बना चुके हैं, दुर्गा सॉफ्ट पे वीडियो बना चुके हैं और सत्या टेक्नोलॉजी पर भी वीडियो बना चुके हैं। ये सब क्या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दे चुके हैं, फीस क्या है, कोर्सेस क्या है, प्लेसमेंट कैसा है। तो अगर आप लोग वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट आते हैं जे स्पाइडर जे एन टी यू हैदराबाद। देखिए यहाँ पे लिखा है जे स्पाइडर, यहाँ पे लिख दिया जे एन टी यू हैदराबाद। जे एन टी यू एक प्लेस का नाम हैदराबाद में जो स्थित है वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलता है। क्या है कि हैदराबाद में दो तीन जगह इंस्टीट्यूट चलता है जे स्पाइडर, एक पंचागुटा में, एक जे एन टी यू में और एक का और के पी एच बी में है। तो देखिए आप लोग कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जे जे स्पाइडर का देखा जाए हैदराबाद में तो इसका मेन ब्रांच है बेंगलोर में, लेकिन हैदराबाद में इसका छोटा छोटा ब्रांच है। और क्या है यहाँ बहुत कम लड़कों का एडमिशन होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं भीड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कम ही कम लड़कों का एडमिशन होता है, बैच में बहुत कम जैसे लड़के रहते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी कंपेयर टू दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपेयर में इसमें बहुत कम लड़के हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका प्लेसमेंट इतना अच्छा है, यानी बड़े बड़े हैदराबाद में तो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं लेकिन वो इतना प्लेसमेंट नहीं दे पाते जो ये दे देता है प्लेसमेंट, यानी जे स्पाइडर। तो देखिए उसके बारे में हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कि जे स्पाइडर कैसे प्लेसमेंट देता है। सबसे पहले हम लोग जान जान लें कि जे स्पाइडर कौन कौन सा कोर्सेस कराता है, कितना फीस लगता है, कितने मंथ का टाइम लेता है कोर्स कराने। तो देखिए दोस्तों जे स्पाइडर क्या है कि फुल स्टैक जावा का कोर्स कराता है, फुल स्टैक पाइथन का भी कोर्स कराता है, वेब टेक्नोलॉजी यूआई का भी फुल स्टैक कोर्स कराता है और डेटाबेसेस का भी कोर्स कराता है। और क्या है कि जे स्पाइडर हैदराबाद में बहुत सारा कोर्सेस ऑफर नहीं करता है, मैक्सिमम जावा पाइथन वेब टेक्नोलॉजी डॉटनेट पीएचपी ही करा पाता है और इससे ज़्यादा वो कुछ यानी नहीं कराता, यानी कुछ सीमित कोर्सेस ही ऑफर करता है हैदराबाद में जे स्पाइडर। लेकिन जो कोर्सेस कराते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेसमेंट दे देता है, 100% गारंटी, यानी देखा जाए तो 80 से 90% का ही स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। क्या कि हमने बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड किए या कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जे स्पाइडर का सबसे ज्यादा क्या है स्टूडेंट जे स्पाइडर का ही है, जबकि यहाँ हैदराबाद में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लड़के हैं उनके पास, लेकिन जब प्लेसमेंट कंपनी में जाया जाता है तो मैक्सिमम लड़के जे स्पाइडर से ही मिलते हैं। तो हमें लगा कि जे स्पाइडर पे एक वीडियो बनाया जाए और ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी दिया जाए। और देखिए दोस्तों चलिए और बैनर के साथ साथ हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टुडे रिक्वायरमेंट क्या है कि देखिए दूसरा भी इंस्टीट्यूट है जितना रिक्वायरमेंट नहीं देता वो सबसे ज्यादा जे स्पाइडर रिक्वायरमेंट देता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनियां विजिट करते हैं या ये क्या है कि वॉकिंग इंटरव्यू में अपने स्टूडेंट को भेजता है जे स्पाइडर सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका प्लेसमेंट बहुत बेस्ट है। देखिए क्या है कि कोर्सेज का फीस का बात की जाए तो इसमें क्या है कि फुल स्टैक जावा का भी 30 से 35 हज़ार चल रहा है, यानी जितना भी कोर्सेस कराया जाता है सब फुल स्टैक में कराया जाता है और सबका फीस क्या है 25 हज़ार से ऊपर ही है और 3 से 4 मंथ या 5 मंथ कोर्सेस में लग जाते हैं कंप्लीट करने में। क्या है कि जावा कोई छोटा कोर्सेस नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट कहता है 2 से 3 महीना, ऐसा संभव ही नहीं है, उसको कंप्लीट करने में मिनिमम 6 मंथ लग ही जाएगा। देखिए आप लोग जान ही चुके हैं कि क्या क्या कोर्सेस ऑफर करता है। तो देखिए और क्या है कि प्लेसमेंट के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कोर्सेस का प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टुडे रिक्वायरमेंट, देखिए कंपनी का नाम है कंपनी क्लेरिव टेक्नोलॉजी बीटेक एमसी। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, पास
पास आउट है, यानी कि क्या क्या कौन कौन सा ईयर का है स्टूडेंट इलिजिबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रीम सी एस आई टी ही इलिजिबल है, नॉन आई टी नॉट नहीं इलिजिबल है। ईयर ऑफ पास आउट क्या है, 2020-21-22 का ईयर पास आउट अलाउ है इसे कंपनी के लिए, इस इंटरव्यू फेस करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। 70% थ्रू यानी 70% ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन यानी डिग्री में आपका, या बीटेक में। अब देखिए स्किल्स क्या चाहिए, देखिए स्किल्स यहाँ वही डिस्कस किए लिखा है जो जिस पे ट्रेनिंग देता है। देखिए एडवांस जावा विथ वेब टेक्नोलॉजी क्या है, कि एडवांस जावा वेब टेक्नोलॉजी मीन्स एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप भी आना चाहिए, तभी आप इस इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। विथ एसक्यूएल एक डेटाबेस भी चाहिए, सब क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। अब देखिए स्टूडेंट ऑलरेडी एडेड फ्रॉम मॉक डेटाबेस, स्टूडेंट बहुत सारे क्या है कि ऑलरेडी करते। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड भी दिया है, क्या है कि बहुत सारे कंपनी आजकल बॉन्ड डिमांड कर रही है बॉन्ड का, क्योंकि लड़का ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे नौकरी लगता है तो भाग जा रहा है, तो सब कंपनी मैक्सिमम क्या कर रही है बॉन्ड डाल दे रही है 2 साल। अब 2 साल हमारे साथ ही करते रहे, कहीं नहीं जा सकते। देखिए पैकेज भी दे दिया है यहाँ पे, देखिए 3 लाख LPA पैकेज दे दिया है, 3 लाख 1 साल में, 3 लाख कंपनी देने वाला है। अब देखिए क्या है कि बेसिक डिटेल्स आप लोग को यहाँ से बता ही दिया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट को जल्दी फास्ट चलेंगे आप लोग। देखिए 2 डे रिक्वायरमेंट, देखिए ये दूसरा कंपनी है, टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेशर्स बी कॉम से क्वालिफाइड जॉब प्रिफरेंस हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एंड सी विल बी ट्रेनिंग डी आर एम एप्लीकेशन सपोर्ट द करेक्ट। देखिए ये क्या कह रहा है कि शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, जो इस यानी जिस लड़के के पास स्टूडेंट के पास अच्छा कम्युनिकेशन इंग्लिश है वहीं, और उसके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छा है, और क्या है उसके लिए नाइट शिफ्ट का वर्क है, जो यानी जो ये कर सकता है जिसके पास अच्छा नॉलेज है वहीं इस इंटरव्यू का अटेंड कीजिए। CTC दिया है देखिए, पर CTC आई मेंशन आई केयर किया है, अकॉर्डिंग टू आवर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको CTC दिया जाएगा। देखिए ये कंपनी का दिया है, फर्स्ट अमेरिकन इंडिया कंपनी का नाम है, MBA का है। देखिए क्वालिफिकेशन MBA, यहाँ फाइनेंस का हायर कर रहा है, देखिए फाइनेंस में भी ट्रेनिंग देता है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप लोग पढ़ सकते हैं। बॉन्ड यहाँ 3 ईयर का दे दिया, पैकेज 3 लाख है स्टार्टिंग में दे दिया गया है। यहाँ पे पीपुल टेक ग्रुप, देखिए पीपुल टेक कंपनी है, पीपुल टेक ग्रुप, देखिए ये एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पूरे ये सब कंपनी है, ये देखिए कितना कंपनी है, देखिए देखिए चलिए आप लोग से दिखाते ही हैं। देखिए कंपनी कैपजेमिनी भी यहाँ आती है, देखिए कैपजेमिनी भी है, देखिए ये कंपनी है, ये कंपनी है एलिजिबिलिटी, देखिए बहुत सारे कंपनी है। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि जितना भी इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में ना, उस सबका टेलीग्राम चैनल चूज कीजिए, और उसका प्लेसमेंट देखिए, और उसका क्या है कि एक प्लेसमेंट का कितना प्लेसमेंट सेंड कर रहा है, तो सबसे ज्यादा देखा जाएगा ना तो जे स्पाइडर वाला प्लेसमेंट सेंड करता है अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्लेसमेंट का बात है ना तो जे स्पाइडर ही कराता है। ये देखिए ये सब प्रूफ है आपके लिए, देखिए ये सब इंस्टीट्यूट की तरफ से है, ये सारा प्रूफ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ लड़के प्लेसमेंट हुए, जिनका प्लेसमेंट हुए वो अपने बारे में क्या लिखते हैं, वो इंस्टीट्यूट के बारे में क्या लिखते हैं कि कैसा इंस्टीट्यूट है क्या है, तो उस लड़के द्वारा सुना जाए। यहाँ पे देखिए कुछ लड़के का प्लेसमेंट हुए, उसका प्रूफ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं, तो देखिए कुछ लड़के का प्लेसमेंट हुआ क्या बोले हैं। पहले लड़के देखिए, लड़के का इमेज देख सकते हैं आप लोग, नाम देखिए जे गोवितम, देखिए जो लड़के का नाम है डी गौतम, गौतम डी गौतम। देख क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीटेक है, स्ट्रीम क्या है बीटेक में, यहाँ पे ट्रिपल ही ब्रांच है, एक CSIT से नहीं है, ट्रिपल ही ब्रांच है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच एलिजिबल हो सकता है। देखिए एग्रीगेशन क्या है कि 60% मार्क्स है इसका, यानी कहने का मतलब कि ओवरऑल 60% मार्क्स है। यहाँ पे ईयर ऑफ पास आउट 2022 का पास आउट लड़का है। एक कॉलेज का नाम देखिए, कॉलेज का नाम लिख दिया गया है, कंपनी नेम देखिए, कंपनी नेम लिखा गया है शॉर्टकट में, उसका कोड वोड है कंपनी का। अब देखिए एक्सपीरियंस अबाउट द जे स्पाइडर, लड़का यहाँ से कंप्लीट कर चुका है कोर्सेस, और क्या है कि ये इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहता है आफ्टर प्लेसमेंट के बाद। देखिए लड़का कह रहा है यहाँ पे कुछ लिखा है, डिस्कस किया है, आई ज्वाइनड इन जे स्पाइडर इन मंथ ऑफ द जुलाई ऑफ बिफोर द ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट, आई डोंट नो एनी थिंग्स अबाउट द कोडिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट लेक्चर हैज एक्सपर्ट द वेरी थिंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर, सो आई
गेनेड गुड नॉलेज स्टेटमेंट अबाउट द कोडिंग देन थैंकफुल टू गिव द फंक्शन। देखिए लड़का क्या है कि सीधा बात है कि ये कहना चाहता है कि बिफोर ज्वाइनिंग जे स्पाइडर आई डोंट नो एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं जानता था ये लड़का बिरो, आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा कुछ पढ़ा और यहाँ से क्या है अच्छा है कोडिंग के बारे में नॉलेज हो गया, उसके बाद ही जॉब पा लिया है। देखिए अब दूसरे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे लड़के क्या कहना चाहते हैं, दूसरे लड़के देखिए दूसरे लड़के सलीम प्रवीण पविन है, देखिए बीटेक है मैकेनिकल से लड़का है जिसके एआईटी में प्लेसमेंट हो गया, देखिए एग्रीगेशन 70% मार्क्स है इसका, 2022 का पास आउट है, कॉलेज है ये देखिए वीवीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कंपनी नेम देखिए यहाँ पे कोड ही डिस्कस किया गया नेम नहीं दिया गया है। एक्सपीरियंस अबाउट जे स्पाइडर के बारे में लड़का क्या कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं देखिए हम थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, आई एम सलीम प्रवीण फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग 70% बिफोर द गेटिंग जे स्पाइडर आई डोंट नो अबाउट द कोडिंग नॉलेज जे स्पाइडर लैंग्वेज। देखिए कहना चाहता है कि बिफोर ज्वाइन जे स्पाइडर मैं मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ और बिफोर ज्वाइनिंग जे स्पाइडर मैं कुछ नहीं जानता था और आफ्टर ज्वाइनिंग मैं बहुत कुछ जान गया, पहले कॉन्फिडेंस भी नहीं था, अब कॉन्फिडेंटली हम कुछ बोल सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट ये सब आप लोग देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट देख सकते हैं, देखिए ये सब लड़के का है, पहले हमने प्लेसमेंट का दिखाया क्या क्या कौन कंपनी आती है, अब देखिए उसमें लड़के प्लेसमेंट हुए हैं, ये सब देखिए ये सब देखिए ये सारा प्रूफ है और यहाँ से अब कंपनी का स्टार्ट हो चुका है, कौन कौन सा कंपनी आती है जाती है। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग का वीडियो, क्या है कि रियल जानकारी दी गई, ये जानकारी सब कोई नहीं देता है लेकिन मैंने रियल जानकारी दिया, बहुत सर्च किया, बहुत इसका क्लास भी मैंने अटेंड किया हूँ उसके बाद जानकारी लिया हूँ तब आपको वीडियो बना रहे, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा लिया और वीडियो बना दिया कुछ भी बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कंपनी में मैक्सिमम लड़कों का देखा इस जे स्पाइडर से काम करते हुए और क्या है प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा होता है और इसका क्लास भी अटेंड किया तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, क्या है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग देता है, तो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्लेसमेंट है। हाँ तो दोस्तों देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे, अच्छा अगर क्या है कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत जानकारी होना चाहता है, ऐसा नहीं कि मैं फेक वीडियो बना देता हूँ, आप लोग कहीं भी मालूम कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट वीडियो है, इन्फॉर्मेशन 100% अच्छा है, यानी कहने का मतलब कि सही है, इसमें दिक्कत की बात कोई नहीं है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।